नली वाली जो बोटी होती है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहती है यहाँ। मैं अपना तेल जो है वो रिलीज कर दिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो व्लॉग है वो कुछ स्पेशल होने वाला है, वो आप ही लोग के डिमांड के वजह से, क्योंकि बहुत दिन से लोग डिमांड कर रहे थे कि आप कुछ किचन में बनाते हुए नज़र नहीं आ रही है। हमें सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का पूरा व्लॉग देखना है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज मैं इस एक स्पेशल डिश बनाते हुए इस पूरे व्लॉग को एंड करूँगी। और यहाँ पे आप लोगों को पीछे में थोड़ा सा बिखरा बिखरा दिख रहा होगा, माइंड मत करिए, उनकी आदत है गंदगी करके रख देते हैं, साफ मुझे करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं किचन में। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है मेरे पापा की रेसिपी है, जो मैं आज अपने हाथों से बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। सॉरी, मैं तो ये रिंग लाइट ले जाना ही भूल गई। एक अच्छे व्लॉग कॉन्टेंट के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी किचन में और सबसे पहले मटन को निकाल लेते हैं यहाँ पे। और ये है बिहार का स्पेशल, बिहारियों का फेवरेट मटन। और हमेशा देखा है मैंने एक चीज़ कि नली वाली जो बोटी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहती है यहाँ पे, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मटन को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेके नहीं है। और मटन बनाने में हमारी हेल्प करने वाली है रिदू। तो जब ये मटन लाने गए थे मुझे बता के कि मैं मटन लाने जा रहा हूँ, तब भी मैंने इसे यहाँ पे प्रिपरेशन सारी कर ली थी। यहाँ पे मैंने प्याज को ऑलरेडी चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक को भी चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने मोटे मोटे स्लाइस काटे इसके। और जब तक मैं मटन को वॉश करूँगी, यहाँ पर मैं चॉप किए हुए प्याज को भी कढ़ाई में चढ़ा दूँगी जब तक कि वो थोड़ा लाल हो जाए। उसके बाद मेरा मटन जब वॉश हो जाएगा तो मैं आएगा आपको बताऊँ। तो कढ़ाई जो है वो यहाँ पे हमारी हीट हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। अच्छा, मटन तुम्हारे गुवाहाटी में ही फेमस है क्या? मतलब पसंद करते हैं लोग या फिर जब बिहार आए तो देखा कि इतना मटन है? नहीं, गुवाहाटी में मतलब अब पसंद करते होंगे लोग, लेकिन जब मैं शादी करके आई तब मुझे पता चला कि बिहारियों को कुछ ज़्यादा ही मटन पसंद है। और शादी के बाद ही जब मैंने फर्स्ट टाइम पापा के हाथ की मटन खाई, उसके बाद ही मुझे मटन अच्छा लगने लगा। क्रेडिट गोज टू पापा। देखिए मटन में तो पहले एक से आप लोगों को पता होगा कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा चर्बी वाला होता है, तो हमें ऑयल का यूज़ तो करना ही पड़ेगा फिर भी, लेकिन थोड़ा सा लिमिट अमाउंट में। यहाँ पे अगर 1.5 किलो मटन है तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दैट्स इट, मैं इतना ही तेल अभी डालूँगी। अभी तेल को होने देते हैं हीट। और इस साइड में इनका अभी मटन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो जुटाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में देखो इधर ऑडियंस भी आ गई। ऑडियंस सपोर्ट फुल है। क्लैपिंग। तो तेल हमारी जो है वो हीट होने लगी है। यहाँ पे मैंने गरम मसाले में ले लिए 2 बड़ी इलायची, लौंग, सूखी मिर्च, दालचीनी। आप देख सकते हैं आपके पास अगर छोटी इलायची तो आप वो भी लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने मंगाना मैं भूल गई, तो उसको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। और बाकी जितना गरम मसाला उस सबको डाल रही हूँ और तेजपत्ता भी यहाँ पे ऐड करेंगे। छटक रहा है यार। तो ये जो लौंग है तो फूलता है ना तेल में, तो छटकता है ऐसे। और आज फर्स्ट टाइम अपने ब्लॉग में मुझे इन्होंने दिया है रोड का माइक यूज़ करने के लिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वालिटी कैसी है इसकी। और अभी हमारे वो जो गरम मसाला सारे लाल हो चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे पचफोरन। आप लोग को थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा होगा ये कि मटन में कौन डालता है पचफोरन, ये तो सब्ज़ी में यूज़ होती है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि पापा पचफोरन डाल के बनाते हैं, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे इसके वजह से जो है ना एकदम अलग ही स्वाद आता है इसका। तो अभी इसको ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो लहसुन अदरक है सब बहुत अच्छी तरह से लाल हो गया, इसी तरह से इसको लाल करना है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है उसके बाद हम लोग चॉप किए हुए ऑनियन जो है इसको ऐड कर देंगे इसमें।
और इसी तरह से प्याज को हम लोग हल्का लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक ये हल्का लाल हो रहा है तब तक मैं वहाँ पे जाके मटन को अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आगे का प्रोसेस। तो इसको हल्का ब्राउन होने दे, इसको ढक के इस तरह कर देंगे, बीच बीच में आप चलाते रहिए। वैसे मटन कैसा लग रहा है? ठीक है, हाँ एज ऑलवेज। नहीं करो, तो यहाँ पर मैंने मटन को जो है अभी धोया नहीं है, बस धोने ही वाली हूँ, ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मटन को अच्छी तरह से वॉश करिएगा तो उससे क्या होता है ना, आप जब खाते हैं तो आपको एक अलग सा सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैंने अभी तक 3 से 4 बार वॉश कर लिया है, अभी मैं एक बार और वॉश करूँगी। अभी हम लोग देख लेते हैं प्याज को कि उसका भी क्या हाल है, गोल्डन ब्राउन हुआ या नहीं, उसके बाद ही हम लोग इसमें मटन ऐड करें। तो प्याज जो है वो हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी हम लोग इसमें ही मटन डाल के इसको एक साथ लाल करेंगे। तो अभी इसको कुछ देर तक हम लोग इसी तरह से प्याज के साथ लाल करते जाएंगे, और जब तक ये प्याज के साथ गोश्त लाल होता है तब तक मैं अभी मसाला जो भुनना है वो बता देती हूँ आपको। तो अभी कढ़ाई को कर देते हैं छोटे वाले गैस पे, और इस पे हम लोग चढ़ा लेते हैं तवा। तवा जो है वो हमारा हीट हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और डालेंगे गोल मिर्च। गोल मिर्च का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वरना वो क्या होता है ना, जलने लगता है। और यहाँ पे जो मैं मसाला रोस्ट कर रही हूँ, ज़ीरा और गोल मिर्च, इसके जगह इसके साथ आप गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं और सूखी मिर्च भी। अभी हम लोग अपने घर में सूखी मिर्च को थोड़ा स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सूखी मिर्च खाना भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और कभी कभार पापा जो है वो इसमें गरम मसाला भी डाल के भून देते हैं, तो कभी कभी मैं उस तरह से ही बना लेती हूँ और कभी मैं सिंपल इस तरह से ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे गोल मिर्च और ज़ीरा को ही भून रही हूँ। अब हम मटन में जो है नमक को ऐड कर देंगे, सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और इसको बहुत देर तक इसी तरह से भून लेंगे, इसको लाल कर लेंगे प्याज के साथ। और हमारा यहाँ पे जो ज़ीरा और गोल मिर्च का है वो भी लगभग हो चुका है, तो गैस को हम बंद कर देंगे, नहीं तो ये ज़्यादा लाल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। और यहाँ पे पापा जो है वो ड्यूटी से आ चुके हैं, पापा की रेसिपी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन, तो पापा अभी देख के बताएंगे कि ठीक बन रहा है कि नहीं। ठीक तो है। और वो जो जीरा गोल की है सही है ना, उतना उसके बाद में मसाला डाल के भुनाएगा। अच्छा, और लास्ट में जीरा गोल की तो पापा ही से मैंने सीखा है, मटन बनाना बहुत ही टेस्टी बनता है। पापा शादी करने के बाद ही मेरा मटन खाना स्टार्ट हुआ है। अभी पापा ने हिंट दे दिया, मतलब उन्होंने चेक कर लिया, तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो गया, क्योंकि जब भी मैं मटन बनाती हूँ ना, पता नहीं क्यों आज भी ऐसा लगता है कि जब पापा टेस्ट कर लेंगे तभी मतलब वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अच्छा बना है। टमाटर, हरा लहसुन। तो पापा आए हैं जॉब से, तो अभी पूरी सब्जी का मार्केट उठा के लेके, तो अभी इसको साइड कर देती हूँ। तो जो ज़ीरा गोल की वो भुना गया, अभी हम इसको इसमें कूट लेंगे। तो जो एक्चुअल मटन में जो टेस्ट आता है ना, वो मुझे लगा मेरे हिसाब से आई थिंक ये तो नंबर 2 पे आता है, ज़ीरा गोल मिर्च जो भून के हम लोग डालते हैं। उससे पहले जो दूसरा है वो है पचफोरन, वो तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई भी डालता होगा पचफोरन। और हमारे किचन में इस सेल्फ के हो जाने से बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत हो जाती है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आराम से इसको कूट ले रही हूँ। अभी हम लोग फिर से बड़ी वाली कढ़ाई को जो है बड़ी वाली गैस में कर लेंगे इधर, ताकि फटाफट हो जाए।
तो अभी मटन को हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो प्याज के साथ कितना लाल हुआ है, क्योंकि करीबन मैं आधे घंटे तक इसको प्याज के साथ लाल करी थी और ये लगभग हो चुका है। आप देख सकते हैं इसने अपना तेल जो है वो रिलीज़ कर दिया, इसका मतलब इसका सारा पानी सूख चुका है और ये अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब सारे मसाले डालने के बाद भुना जाएगा ये, उसके बाद हम लोग गर्म पानी इसमें ऐड कर देंगे। गर्म पानी डालने से क्या होता है कि आपका जो गोश्त है वो जल्दी गल जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ किया गया है, और इसको भी हम लोग कम से कम 5-10 मिनट तक भून लेंगे। कलर आया आप देख सकते हैं, कलर जो है बहुत ही अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा देखने में। तो बिहार में ये फेमस है, मटन जब बनता है तो लहसुन जो है वो 3 तरह से यूज़ होता है। पहला तो हम लोग पीस के डालते हैं पेस्ट बना के, दूसरा हम लोग चॉप करके डालते हैं, और तीसरा जो है वो इस तरह से खड़ा डलता है। तो अभी मैं उसी तरह से डालने जा रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। मटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी इसको कर सकते हैं। वैसे अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, खास करके ठंड के सीज़न में। तो ये लगभग बहुत अच्छी तरह से अब भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी देर में पानी को। जब भी आप गर्म पानी डालें तो फ्लेम को कम कर लें, नहीं तो आपके हाथ जलने का पूरी चांसेस रहती है। पानी डालने के बाद अब हम इसको ढक देंगे, तकरीबन आधा घंटा या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है ये गलने को, और आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं जिस तरह से आपको खाना है। अभी मैं इसको ढक रही हूँ आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने मटन को मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या उसका कितना गला है कितना नहीं। चेक करके देख लेंगे कि मटन गला कि नहीं। यहाँ से आराम से टूट गया, इसका मतलब मटन जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो अभी वक्त आ गया है जो हम लोगों ने रोस्ट मसालों के जो रोस्ट किए थे जीरा और गोल मिर्च को, ये वाला इसको हम लोग डाल देंगे। इस रोस्ट मसाले, जब ये मसाले को रोस्ट करके डालते हैं ना तो ये एकदम से इसका कलर को चेंज कर देता है। आप देख सक रहे होंगे कि इसका कलर कितना जल्दी चेंज हो गया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के, टेस्टी सा लग रहा है। एंड लास्टली, जो कि हम लोग सब जितने भी रेसिपीज़ होते हैं उसका जो एंड है वो करता है धनिया का पत्ता। तो अभी हम लोग इसको गार्निश कर देंगे धनिया के पत्ते से। जो साउंड है क्लियरली सुन लिया होगा, तो इस बहुत ही टेस्टी लाजवाब, वो तो जब सब लोग खाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करिए। और इस ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।